शनि का काम है प्रॉपर्टी देना। अगर गाड़ी लेनी है तो कौन से कलर की गाड़ी सूट करेगी। न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा, एक रोल है, एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल क्या है, एक नंबर ही तो है। नमस्कार, आज के सेशन में या आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिस पे मैंने आज तक बात सबसे कम की है, लेकिन टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत काम का भी है। देखिए, जब भी आप अपनी कुंडली बनाते हैं या किसी को बनाने के लिए देते हैं किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर को, तो आपसे पूछता है आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है। ये तीनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये तीनों चीजें ली जाती हैं उसके हिसाब से आपका एक चार्ट बनता है जिसे बोलते हैं जन्म कुंडली या बर्थ चार्ट। इसी तरीके से अगर मैं इसको फर्दर डिवाइड करूं और ध्यान से देखूं तो ये सारे ही सारे सिर्फ नंबर्स हैं। डेट का नंबर यानी बर्थ नंबर, यानी मान लीजिए आपकी डेट है 10 तो टोटल है 1+0=1, ठीक है। मंथ है 7 तो 07, ये भी एक नंबर है। ईयर है मान लो 1980 तो 1980, ये भी एक नंबर ही है। अब 10 का 10=1, 7 का 07=7, 1980 तो 0 को हटा दिए, 1980=18, टोटल इज 9। तो इस तरीके से हम इन सबको देखते हैं और इन नंबर्स के पीछे के बहुत सारे रहस्य हैं इनको समझते हैं। इसका टोटल लगा दो तो हो गया भाग्यांक, शुरू वाला नंबर मूलांक, इस तरह से हम इसको समझते हैं। इसी तरीके से एक टाइम होता है बर्थ का, समय कितने बजकर कितने मिनट, ये टाइम का भी हमारे जीवन पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ज्योतिष की अगर आप एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो उसमें भी रोल है, अगर आप न्यूमरोलॉजी की बात करें तो उसमें भी। इस टाइम का, आपका जन्म इस समय ही क्यों हुआ, आपका जन्म इस दिन ही क्यों हुआ, इस साल ही क्यों हुआ और इस स्थान पे ही क्यों हुआ। अब आप कहेंगे स्थान जो है वो स्थान तो किसी जगह का नाम है, वो नंबर कैसे है। अगर आप ध्यान से देखें तो अर्थ पे उस पॉइंट का एक लेट और लॉन्ग है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो भी एक नंबर है। तो ये सारी जो माया है ये एक्चुअली नंबर्स की माया है और इन नंबरों में बहुत तरह तरह के राज छुपे हैं। राज आपके करियर के, राज आपके रिलेशनशिप के, राज आपके उस रास्ते के जिसके थ्रू आपको ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगी आपके करियर में, वो सारे राज जो आप जो छुपे हुए हैं कि आपको अगर गाड़ी लेनी है तो कौन से कलर की गाड़ी सूट करेगी, कौन से नंबर की सूट करेगी, अगर वो घर लेना है तो कौन से कलर का उसमें पेंट कराना चाहिए, फ्रंट कौन से कलर का होना चाहिए, इसका मतलब वास्तु का भी इससे संबंध आ रहा है। या आपको ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा पसंद फायदा देगा या वेस्ट फेसिंग ज्यादा फायदा देगा। जिंदगी के कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो इस नंबर के थ्रू आपको पता पड़ जाता है कि ये चैलेंजेस इस एज में आने वाले हैं और ये वो चैलेंजेस हैं, ये वो नंबर्स हैं, ये वो एजेस हैं जो आपकी स्ट्रेंथ है। ये साल अच्छा है या बुरा, इस साल में अगर कुछ अच्छा है तो वो क्या है और अगर कुछ चैलेंजेस आने वाले हैं तो क्या है, ये सब नंबर्स है। पूरा डिटेल में हम लोग जान सकते हैं। इसका मतलब ये जो नंबर सिस्टम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप सबके दिमाग में सवाल जरूर आ रहा होगा, जवाब है हाँ। तो फिर अगर नंबर सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वैदिक ज्योतिष में, लाल किताब में, नाड़ी में, केपी में इसको इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको वैल्यू क्यों नहीं किया, ये सवाल भी मन में जरूर आता होगा। तो जवाब है उन्होंने वैल्यू किया, हमने नहीं समझा। उन्होंने तो आपको हर चीज बताई है, राशियां 12 हैं, 1-12 नंबर ही तो हैं, नक्षत्र 27 हैं, नंबर ही तो हैं, प्लैनेट 9 हैं, नंबर ही तो हैं, क्यों सबका टोटल फाइनली 9 इज द लास्ट नंबर एंड 9 ही प्लैनेट हैं। इन 9 प्लैनेट के सबके 3-3 नक्षत्र हैं, 3 इज जुपिटर, नक्षत्र की नॉलेज, 3 इज जुपिटर, ज्ञान, तो 27 है। तो अगर आपको इन 9 प्लैनेट को समझना है तो आपको इन 27 नक्षत्रों को समझना पड़ेगा, 27 का टोटल 9
प्लैनेट का टोटल 9, राशियां 12, टोटल 3। अब आप देखिए वैदिक ज्योतिष में भी इसको इतना ही वैल्यू किया गया है, ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं किया गया, बिल्कुल किया गया है, लेकिन हमने उसे डिकोड नहीं किया, हमने उसे समझा नहीं और उसे एक इंडिविजुअल एंटिटी की तरह रखा। तो न्यूमरोलॉजी को नॉर्मली लोग एक अलग एंटिटी की तरह परस्यू करते हैं, उसको एक अलग तरीके से देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजी भी एस्ट्रोलॉजी का एक हिस्सा, एक रोल है, एक पार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका ईयर, जब आपने मेरे को अक्सर सुना होगा, मैं वर्षफल में बहुत बात करता हूं, वर्षफल क्या है, एक नंबर ही तो है कि आपके जन्म के बाद ये कौन सा नंबर आपकी कुंडली में रन कर रहा है, ये यूज हो रहा है, ये कैसे काम कर रहा है। हम बात करेंगे इन सारे टॉपिक्स पे कि वर्षफल का न्यूमरोलॉजी पे क्या असर आ रहा है, या न्यूमरोलॉजी के रेफरेंस से वर्षफल कैसे बनाया जाए, उसको कैसे यूज किया जाए, कैसे पता पड़ाया जाए कि ये आपकी स्ट्रेंथ है या आपकी वीकनेस है। इन सारी बातों को समझने के लिए मैं कोर्स लेके आ रहा हूं, जो एक डिटेल कोर्स है, जिसके अंदर हम पहले उस कोर्स के में पहले हम समझेंगे नंबर्स क्या है, ये हम पर क्या असर डालते हैं, हमारी पर्सनैलिटी पे, हमारे लक पे, हमारी गाड़ी पे, हमारी संतान पे, हमारी एजुकेशन पे, हमारी लर्निंग पे, हमारी हेल्थ पे, कैसे इनसे फायदा उठाया जाए कि ग्रोथ फास्टेस्ट हो और हर्डल्स प्रॉब्लम्स कम आए, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारे चैलेंजेस क्या है, हमारे थ्रेट्स क्या है और हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब इससे निकलता है। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं कि अगर आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना है, SWOT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेट, और किस साल में क्या आ रहा है, तो वो यहीं से निकलेगा। न्यूमरोलॉजी के थ्रू ये सारी चीजें कैलकुलेट करना बहुत आसान है और बहुत इजीली कोई भी इसे आराम से समझ सकता है। तो अगर मैं कहूं कि प्रिडिक्शन का शॉर्टकट न्यूमरोलॉजी है तो ये गलत नहीं है, तो सही है। तो अगर आप न्यूमरोलॉजी के चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर आप इन नंबर्स में छुपे हुए राज को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं और इसे अपने जीवन में इनसे इनके अंदर जो छुपे हुई जो इनकी स्ट्रेंथ है उसको यूज करना चाहते हैं और उसको अपने ग्रोथ पाथ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो आपको इस कोर्स को जरूर कर लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपको आगे प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर ही बनना है, लेकिन ये थोड़ा सा एफर्ट आपको अपने जीवन के बारे में, आगे आने वाले वर्षों के बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देगा किस साल क्या होगा और क्या नहीं होगा, इस साल का की थीम क्या है, घर किस नंबर का लूं, गाड़ी किस नंबर की लूं, कौन सा कलर मुझे सूट करता है, कौन सा कलर मेरे लिए ठीक नहीं है, मोबाइल का जो नंबर है वो सिलेक्शन में क्या क्या रखूं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, 4 नंबर ठीक नहीं है, 8 ठीक नहीं है, 7 भी कुछ कॉम्बिनेशन पे रिस्की हो सकता है, वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या ये 100% लोगों के लिए ठीक है, जवाब है ना। क्या 4 इतना ही बुरा नंबर था तो न्यूमरोलॉजी में रखा क्यों, हटा ही देते, 8 अगर इतना ही बुरा होता तो हटा देते भाई, रखा ही क्यों है। इसका मतलब इसके अंदर भी कुछ गुण, रहस्य, कुछ राज हैं, अगर वो आपको, वो सबको नहीं पता ये तय है। अगर आपके पास वो नंबर है, किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी भाग्य 8 में जा रहा है, क्या इस जन्म में उसको कोई लक फेवर नहीं करेगा, ऐसा होता है क्या, या टोटल 4 जा रहा है लक फेवर नहीं कर रहा है क्या, तो जी राहु है, ये राहु की चीजों को इस्तेमाल करो, राहु की हेल्प लो, तो हो सकता है राहु तुम्हें अच्छा रिजल्ट देने लग जाए। अगर 8 नंबर शनि का नंबर है तो आप शनि को इस्तेमाल करिए ना, अपने लक को जगाने के लिए शनि का इस्तेमाल करिए ना, किसने मना किया और किसने बोला कि शनि आपको राजयोग नहीं दे सकता। हर नंबर, हर प्लैनेट राजयोग देता है, आपको उसे समझना आना चाहिए और उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। हर राजयोग एक टाइम बाउंड एक्टिविटी है,
कि ये राजयोग इस प्लेनेट ने इतने समय के लिए दिया। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं कि किसी एक प्लेनेट ने आपको राजयोग दिया 36वें साल में। जस्ट एन एग्जांपल है, वैदिक ज्योतिष में 36वां साल शनि का होता है, लेकिन टोटल मारोगे तो 9 है। न्यूमरोलॉजी में इसका नंबर 9 है, 6+3 या 3+6 इज 9, तो 36 या 63 टोटल इज 9। नंबर गवर्न बाय मार्स, लेकिन 36वां साल ओन्ड बाय वैदिक ज्योतिष में शनि। अब क्या समझूं, शनि को ठीक समझूं या इसको ठीक समझूं? लेकिन अगर कोई राजयोग एग्जीक्यूट हो रहा है पर वो शनि ड्रिवन है, तो उसका एक स्पेसिफिक साल होगा। उस साल में आपको शनि से रिलेटेड, उसकी एनर्जी से रिलेटेड, उसको पॉजिटिव बनाए रखना है, वो आपको राजयोग एग्जीक्यूट करके दे देगा। हो सकता है वो आपको एक नई प्रॉपर्टी दे दे। शनि का काम है, शनि का काम है प्रॉपर्टी देना। अगर वो नंबर राहु से एसोसिएटेड है, टोटल 4, जिसको सब लोग कहते हैं बहुत खराब है, अगर 4 आ गया बहुत खराब, 8 आ गया बहुत खराब, कुछ लोग 7 को बहुत खराब बताते हैं, केतु का नंबर है। देखिए स्टोरी वही घूम रही है, शनि राहु केतु। आप देखेंगे सब लोग ज्यादातर बात क्या करते हैं, राहु केतु शनि, राकेश। वैदिक ज्योतिष में भी यही चलता है, लाल किताब में भी यही चलता है, न्यूमरोलॉजी में भी यही चलता है। बोले 7 इज केतु, 8 इज शनि, 4 इज राहु, ये तीनों खराब। बिना राहु केतु के इस सृष्टि का क्रिएशन संभव है क्या? आप राहु केतु के बिना एक घंटा रह सकते हैं क्या? फॉरगेट अबाउट 24 आवर्स, वन डे, वन आवर, यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट राहु केतु। जिसके बिना आपका सर्वाइवल ही नहीं है, उसी को आप कह रहे हैं कि खराब है, खराब है, खराब है। कैसे खराब है? आपका पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, सारी दुनिया का, सब राहु ड्रिवन है। पॉलिटिक्स खराब है क्या? आप कुछ लोग कहेंगे कि सारे पॉलिटिशियन अच्छे नहीं होते, सारे खराब भी तो नहीं होते। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी कब से खराब हुई? ये कुछ सवाल है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी तब खराब है जब आपका फोकस रिलेशनशिप है, आपका फोकस करियर है, उस वक्त इसमें स्पिरिचुअलिटी को बीच में मत घुसाइए, क्योंकि ये दोनों अलग डायमेंशन है, लाइफ है। अगर आपका फोकस स्पिरिचुअलिटी है तो स्पिरिचुअलिटी के बीच में इन दोनों को मत लाइए। थोड़ा है, केतु क्या है? अलूफ। केतु क्या है? अकेलापन, एकांकी जीवन। जब आप स्पिरिचुअलिटी में हैं तो आप बाकी सारी चीजों से ध्यान हटाइए और शांत मन से एक जगह बैठ के भक्ति शुरू कर दीजिए। केतु है, 7 नंबर आपका अच्छा हो जाएगा। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा, इन सारे टॉपिक्स को। अब मैं इस पर पूरा डिटेलिंग करना शुरू करूंगा, आपको मल्टीपल इस पर वीडियोस देने वाला हूं न्यूमरोलॉजी पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स रिलेटिव सब जगह करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी साइंस है, सबसे आसान है और सारे लोग चुटकी बजाते ही न्यूमरोलॉजी सीख जाएंगे। मेरा जो कोर्स आ रहा है उसकी सारी डिटेल जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है इसमें है। आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए, कोर्स की डिटेल देखिए। ये एक इतना डिटेल्ड कोर्स है जो नॉर्मली इस बजट, इस प्राइस ब्रैकेट में तो कोई ऑफर नहीं करता। एजेंडा हमारा सिर्फ साफ है, स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू, नमस्कार।